जालौन में महिला सुरक्षा के दावों की खुली पोल। दबंगों की फौज ने महिला की दिन दहाड़े उधेड़ दी चमड़ी। कालपी कोतवाली में बनी महिला हेल्प डेस्क साबित हुई शोपीस। 3 महीने से नहीं मिला पीड़िता देवकी पाल को न्याय। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कई थानों में बने महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया था और साथ ही कहा कि अब महिलाएं निसंकोच थानों में जाकर महिला पुलिस अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और उनकी तत्काल सुनवाई होगी। लेकिन जालौन में तो कुछ और ही हो रहा है, जहाँ महिला सुरक्षा के दावों और नारी सशक्तिकरण की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। स्क्रीन पर आपको जो महिला दिख रही है, ये जालौन में कालपी कोतवाली के गड़गुआ गांव की रहने वाली देवकी पाल है, जिनकी दबंगों ने दिन दहाड़े मारकर चमड़ी उधेड़ दी। ये देखिए, ये देखकर तो आपके भी पैरों तली जमीन खिसक गई होगी। आखिर क्यों और किसने इतनी बुरी तरह से देवकी पाल की पिटाई की? देवकी पाल का कहना है कि उनके परिवार के यशपाल, मनोज, महेश और उनकी पत्नी के साथ और ना जाने कितने लोगों ने मिलकर भरे बाजार में मारा पीटा और कम नहीं हुआ तो साड़ी भी निकाल दी। यही नहीं, इससे पहले भी दबंगों ने कई बार देवकी पाल को जान से मारने की धमकी दी और जब पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने पहले तो देवकी पाल से 4,000 रुपये लिए और फिर न्याय दिलाने का वादा किया, लेकिन 3 महीनों में कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद फिर महिला ने शिकायत की और फिर पहले के जैसा पुलिस ने न्याय दिलाने का वादा किया। कोतवाली जी बोल रहे, हम तुमको न्याय दिलाएंगे, मुकदमा लिखेंगे, न्याय दिलाएंगे। हम इस बात को आए, हमारी बहुत मारा कोट करी है, जेंट्सों ने, लेडीजों ने, जसपाल ने, महेश ने, महेश की पत्नी ने, सब ने मारा, मिथिला ने। मुझे बेकायदा किया गया है बाजार में, साड़ियों मेरी नहीं थी, ऐसे उघारे थे हम। इन लोगों का इरादा है हम सब लोग मर जाए, इनको सब कुछ मिल जाए। छेड़ाछाड़ी करी है मेरी कई बार इनने, बोलते हैं मुंह खोलोगी तो जान से मार डालेंगे, किसी को बताओगे तो, धमकियां देते हैं मुझे। कल लाए थे हम, हाँ, देवर से पिटवाया था जिन्हें लोगों ने, दरवाजा लगवा के लाठियों से, सब खड़े थे अपने अपने लेंटों से, कोई पार नहीं बोला था। थाने आए थे हम, इनने मुकदमा लिखा है, अभी तक कोर्ट में मुकदमा नहीं पहुँचा, 3 महीना जैसे हो गए। जय सतपाल बोल रहे थे हम तारा बढ़वाएंगे, मुकदमा लगवाएंगे, सुनाई होगी 6 महीने में। 4,000 रुपया भी ली थी हमारे के, धारा बढ़ाएंगे हम। उसको बरी करके बाहर भेज दिया कमाने के लिए, मुझे कुछ न्याय नहीं मिली पहले की भी। आज हमको यही बोला गया कि हम न्याय तुमको दिलवाएंगे। हम सोच रहे कि जिन लोगों को बस मुझे, मेरे साथ जो हुआ है, मुझे जितना दर्द हो रहा है, बिना बेकसूर का, बेवजह का मुझे मारा गया है, और जिन लोगों को इतना ही दर्द दो जितना मुझे हुआ, इतनी सजा दो, हम कानून की हेल्प लेंगे। इधर से नहीं मिलेगी, हम कहीं भी जाएंगे भटकते भटकते, कानून की हेल्प लेंगे हम। आज हमारे साथ हुआ, कल मार भी डालेंगे। मारने की भी तो इनकी कोशिश थी, दरवाजा बंद करके घसीड़ के मारा, इतनी महिला मारे क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि इस मामले पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा चुकी है और पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो चोट देवकी पाल को आई है, ये सब मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्मल है। हमको बेकायदा मिर्चे भरी गई है, कोई मेरी मर्यादा नहीं, मेरी कायदा नहीं, पूरा गांव खड़ा है, मुझे ऐसे कपड़े उतार के मार रही है बाजार में। लेडीजों थी इनकी 6-7, जेंट्स में थी, महेश थे, मनोज था, जो जसपाल था, ये सब थे, घूमती उमती सब थे। हमारे पति गुजरात रहते हैं बेचारे, कमा रहे हैं, हम बोल रहे तुम्हारा साथ देंगे, वो आए रहे, इधर ही आ रहे, आज नहीं आ पाएंगे, 2 दिन की तो रास्ता ही है। आज निकलेंगे तो आज चलेंगे, कल चलेंगे, परसों सुबह में आएंगे। पुलिस पे हमको, शासन पे भरोसा है, शासन इधर की चुप बैठेगी, हम और दूर जाएंगे, पर हमको न्याय चाहिए। कल मेरा एक बेटा है, एक लौता, उसको भी ये दबोचेंगे, और मेरे पति को भी मारने की धमकी दी इन लोगों, हमको 3 लोगों को, हमने इन लोगों से, जो 20 आदमी है, हमको बहुत खतरा है, कल मेरी बहू को भी दबोचा जाएगा, हमको उल्टा सूदा बोल रहे 20 साल से। हाँ, मुकदमा हुआ है जी, हमको दे कागज भी FIR के। दोनों पक्षों की बात को सुनने और देखने के बाद बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि दोनों में सही कौन है, कालपी कोतवाली की पुलिस या देवकी पाल? क्योंकि अगर देवकी पाल गलत है तो उनके शरीर पर जो चोटों के निशान हैं वो कैसे
क्योंकि जिस हिसाब से उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं उससे तो यही पता लग रहा है कि उनको किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। खैर, अब देखना यह होगा कि देवकी पाल को समय रहते न्याय मिलता है या नहीं, या फिर देवकी पाल झूठ बोल रही हैं। ये सब तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। ये खबर हमारे संवाददाता अली जावेद ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस खबर से आप Facebook के जरिए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।